नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर को आप अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं बिना कोई केबल के। ये देखिए, ये केबल हमारा यहाँ पे है और इस पीसी में ब्लूटूथ कार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें ब्लूटूथ नहीं है और हमारा ब्लूटूथ स्पीकर होम थिएटर है। तो कैसे हम अपने पीसी को कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ होम थिएटर से और इस पे जो भी गाना प्ले होगा वो आपके होम थिएटर पे बजेगा बिना कोई वायर के और ब्लूटूथ स्पीकर के। तो अगर आपको ये देखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं दिखा दूं कि एक्चुअली में मेरे पास कोई ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस ऐड कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि टर्न ऑन कीजिए ब्लूटूथ और ये डिवाइस सपोर्टेड नहीं है कोई भी ब्लूटूथ का। तो अब मैं क्या करूँ? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ही डाउनलोड कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा सॉफ्टवेयर को, किसी अदर वेबसाइट से नहीं, ठीक है, आपके सिक्योरिटी के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम आ चुके हैं उस वेबसाइट पे। यहाँ पे हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेक करेंगे। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ये डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। बट हमारा अभी केस में है विंडोज़ 10, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ आप डाउनलोड कीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, बहुत ही छोटी सी है साउंड वायर सर्वर, ठीक है, बहुत ही छोटी सी है। तो अब हम यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर हमारी डाउनलोड हो चुकी है। इसे जैसे एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप, उसी तरह आप इसे इंस्टॉल कीजिएगा। नेक्स्ट 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 और ये सिंपली इंस्टॉल हो गई हमारी साउंड वायर की सर्वर, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं साउंड वायर सर्वर है, इसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साउंड वायर सर्वर ओपन हो चुका है डैशबोर्ड। इस ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टेटस डिसकनेक्टेड है, तो हमारा सर्वर साइड हो चुका है। बेसिकली ये सर्वर और क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, तो सर्वर यहाँ पे हो चुका है। अब हम अपने क्लाइंट को डाउनलोड करते हैं। क्लाइंट आपका जो है सो आपका एंड्रॉयड फ़ोन होगा जिस पे आप इसके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये हमारा पीसी सर्वर है और आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है। तो अब हम अपने एंड्रॉयड स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे आपको साउंड वायर सर्च करना है। साउंड वायर सर्च करने के बाद ये छोटी सी एप्लीकेशन, लगभग 3 MB की एप्लीकेशन है, आपको ये आपको डाउनलोड करके काउंट करना है और ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लेफ्ट साइड में साउंड वायर सर्वर है और आपके राइट साइड में हमारा एंड्रॉयड फ़ोन जो कि क्लाइंट है। तो अब हम नेटवर्किंग पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आप इसका नेटवर्किंग दिखा देता हूँ। ये है हमारा पीसी है, ये आप देख सकते हैं पीछे इथरनेट के थ्रू हमारा राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपके केस में आपके घर पे राउटर नहीं है तो आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करके ये दोनों को बस सेम नेटवर्क में कनेक्ट करना है। बस टारगेट हमारा ये है कि दोनों सेम नेटवर्क में हो। तो ये हमारा इथरनेट से कनेक्ट है राउटर से और ये हमारा आप एंड्रॉयड फ़ोन देख सकते हैं जो कि हमारा नेटवर्क से कनेक्ट है वाईफाई के थ्रू, ठीक है। IP यहाँ पे देख सकते हैं इसका है 1.100, ठीक है। और आप हम यहाँ पे सिस्टम पे आपको दिखा दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इथरनेट अडेप्टर यहाँ पे 192.168.1.110, ठीक है। तो हमारा सर्वर का IP है 1.110 और हमारा क्लाइंट का IP है 1.100, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम नेटवर्क में है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पहले मैच करना होगा तभी एक दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे ये सेम नेटवर्क में है दोनों। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आते हैं और यहाँ पे जो आप ये कॉइल का वायर का निशान देख रहे हैं इसे आपको सिंपली क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस कनेक्टेड यहाँ पे दिखा चुका है। बट कुछ केस में क्या होता है कि अगर आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं हो तो आप अपने माउस को यहाँ पे ले जाइएगा और थोड़ी देर वेट कीजिएगा। तो आप जूम कीजिए, देखिए आप गौर से यहाँ पे 3 डिफरेंट IP दिख रहा है, ठीक है।
तो तीन डिफरेंट आईपी में आपको जो है सो ऊपर वाला है 192.168.1.110 जो कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन के सेम नेटवर्क में है। तो दोनों को करके और यहाँ आपको मैन्युअली यहाँ पे सर्वर का आईपी आप टाइप कर सकते हैं 192.168.1.110। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं या फिर नीचे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप का, तो आप हमें वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे कनेक्टेड यहां पे हो चुकी है हमारा कनेक्शन प्रोसेस कम्प्लीट। अब इसका मैजिक देखते हैं हम लोग कि ये कर क्या सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें तो हम अपने YouTube पे आ चुके हैं। ठीक है, YouTube पे आपको यहाँ पे मैं कोई एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, आप सॉन्ग सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, वो तो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा जो भी म्यूज़िक या वीडियो जो भी आपको प्ले करना है वो है। तो यहाँ हमारा फ़ोन से कनेक्टेड है। अब हमें दूसरा स्टेप क्या करना है, वो है हमारा ब्लूटूथ ऑन करना है अपना। ठीक है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा जो फ़ोन है वो मेरे होम थिएटर से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको भी अपने होम थिएटर से इससे अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा होम थिएटर है और ये एंड्रॉयड फ़ोन मेरे एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्टेड है ये ब्लूटूथ। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं बिना कोई तार है पीसी और होम थिएटर के बीच में, हमने यहाँ इसे सर्वर बनाया, इसे क्लाइंट बनाया और इसके ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट किया। और अब हम ये जो सॉन्ग प्ले करेंगे ये हमारे होम थिएटर पे भी बजेगा। आप देखिए, सबसे पहले इसका साउंड, जो इस मेरा पीसी का जो स्पीकर है उसका साउंड को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो हो गया। अब मैं इस सॉन्ग को प्ले करूँगा और आपको क्या लगता है किस पे प्ले होगा? ऑब्वियस ही बात है, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे होम थिएटर से प्ले हो रहा है। और अब दिखाता हूँ, ये मेरा होम थिएटर का ये है रिमोट है। और देखिए गाना, मैं इसका आवाज कम कर रहा हूँ। तो देखा आपने, बिना पीसी को होम थिएटर से कनेक्ट किए हुए भी मैं अपने साउंड को प्ले कर पा रहा हूँ। तो देखा दोस्तों, तो इसी तरह का दोस्तों यही था वीडियो हमारा कि कैसे आप अपने पीसी को अपने होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पीसी में ब्लूटूथ अडैप्टर या ब्लूटूथ कार्ड नहीं है, फिर भी आप स्टिल अपने म्यूज़िक को या फिर मूवी का ऑडियो को आप अपने होम थिएटर पे प्ले कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों एक कमाल की ब्यूटीफुल टेक्निकल वीडियोस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया ये वीडियो देख के और आपका काम आसान हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें इस मज़ेदार ट्रिक को। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना ना भूले कि हाँ मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। इसे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह के और स्किलफुल वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थैंक यू।